हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता अमृत शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम पार्ट टू लेके आए हैं POT प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग का CTS और CITS के ऑल ट्रेड्स के स्टूडेंट्स के लिए, और साथ के साथ इसके कुछ ही क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर वन NTA UGC नेट 2020 के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज 15 क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रणाली का एक घटक है। ऑप्शंस हैं सोर्स, स्त्रोत्र, मैसेज, संदेश, रिसीवर, प्राप्तकर्ता या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो हम ये चीज़ जानते हैं कि जब हमारा कम्युनिकेशन आती है, कम्युनिकेशन किस किस के बीच होता है, किसी एक सोर्स के बीच एक बंदा दूसरे पर्सन से बात करता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात करता है, तो एक सोर्स हो गया और एक हमारा रिसीवर हो गया, और उनके बीच में जो वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, उसे क्या कहते हैं, हम मैसेज कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही क्या है, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के कॉम्पोनेंट्स हैं। अगले क्वेश्चन को लेते हैं हम, 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक एड गिव्स द इफेक्ट ऑफ अ रियल सिचुएशन, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सहायक सामग्री को वास्तविक स्थिति का प्रभाव देती है। इन्होंने क्या पूछा है कि ऐसी कौन सी एड है, एड मतलब ऐसा कौन सा एक साधन है, जैसे टीचिंग एड होते हैं, हमारे चार्ट्स होते हैं, अभी हम जैसे पढ़ ही रहे हैं ऑप्शंस में, चार्ट है, सिमुलेटर है, मैग्नेटिक बोर्ड है और चॉक बोर्ड है, इनमें चारों में ऐसा कौन सा जीवित, ऐसी रियल सिचुएशन जो हाल ही में हो रही हो, ऐसी कौन सी वास्तविक किस सिचुएशन को प्रतीत करते हैं, ऐसा कौन सा होता है। तो चार्ट में हमें पता है टू डायमेंशनल होता है, मैग्नेटिक बोर्ड पे भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी किसी भी चीज़ को लगा सकते हैं, चॉक बोर्ड से हम लिख सकते हैं। तो ये जो होता है हमारा सिमुलेटर क्या होता है, ये एक ऐसी मशीन होती है जिसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये क्या कर सके, एक रियलिस्टिक इमिटेशन, एक रियलिस्टिक सिचुएशन दे सके, ताकि कोई हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सके और ऑपरेट कर सके। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक गाड़ी है, छोटे बच्चे की गाड़ी होती है जो हम ऑटोमेटिक चला सकते हैं, जिसको हम रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो क्या देती है, वो एक मॉडल देती है, एक सिमुलेटर देती है एक गाड़ी की, प्रतीत देती है एक रियलिस्टिक सिचुएशन को। तो इसीलिए हमारा 17th का आंसर आएगा बी। 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टीचिंग मटीरियल, निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यापक सामग्री है। यहाँ पर इन्होंने हमसे टीचिंग मटेरियल पूछा है, तो ऑप्शंस हैं लेसन प्लान, पाठ योजना, इन्फॉर्मेशन शीट, सूचना पत्रक, जॉब शीट, कार्य पत्रक, एक्सपेरिमेंटल शीट, प्रायोगिक पत्रक। तो हम सबको पता है कि जब भी हम क्या करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं ना पढ़ाने के लिए, आप सब लोगों ने भी अपने CITS में या CATS में जब भी आपका ये POT का चैप्टर लेसन चल रहा होता है या आपकी क्लास चल रही होती है, तो आपको कुछ एक देते हैं वो लोग कि आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं, तो उसके लिए आप क्या करते हो, टीचिंग मटेरियल आपका क्या आता है, लेसन प्लान। ऑपरेशन शीट इज मेड बाय, परिचालक पत्रक डैश के द्वारा बनाया जाता है। ऑपरेशन शीट किसके द्वारा बनाई जाती है, एक वर्कर कर्मचारी के द्वारा, इंस्ट्रक्टर अनुदेशक के द्वारा, स्टूडेंट विद्यार्थी के द्वारा, या नन ऑफ दीज, इनमें से किसी ना के द्वारा। तो ऑपरेशन शीट इसका मतलब कोई भी हमें ये बताना चाह रहा है, ऑपरेशन शीट कौन देगा, जो हमें इंस्ट्रक्ट करेगा, अनुदेश देगा किस चीज़ के लिए, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी, अगर मैं किसी गारमेंट इंडस्ट्री में हूँ और मेरे को कोई भी एक गारमेंट को बनाना है, तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगी, ऑपरेशन शीट चाहिए होगी, जो कौन प्रोवाइड कराएगा, इंस्ट्रक्टर। अगला है 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज़ प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री विद्यार्थियों द्वारा बनाई जाती है। ऑपरेशन शीट, परिचालक पत्रक, इन्फॉर्मेशन शीट, सूचना पत्रक, असाइनमेंट शीट, नियत कार्य पत्रक, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जो आपका DGT के द्वारा आंसर दिया गया है वो नन ऑफ दीज दिया गया है, लेकिन
यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि असाइनमेंट शीट जो होती है वो कौन बनाता है, वो स्टूडेंट ही प्रिपेयर करते हैं। हम लोग सब अपने जब हम स्टूडेंट रहे हैं या अभी आप लोग स्टूडेंट हैं तो हमने क्या बनाए हैं, असाइनमेंट्स बनाए ही बनाए हैं। तो असाइनमेंट शीट्स जो है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, स्टूडेंट्स के द्वारा। वहीं ऑपरेशन शीट कहाँ थी, अभी हमने बात की थी कि वो कौन बनाता है, इंस्ट्रक्टर बनाता है। इंफॉर्मेशन शीट किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अगला क्वेश्चन है 21, इन WIM व्हाट डज W स्टैंड्स फॉर, इसमें W से क्या अभिप्राय है, रिटन, राइटर, वर्स या वर्क। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए WIM की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है वर्क इन माइंड। वर्क इन माइंड में W किस चीज़ से स्टैंड करता है, वर्क से, गेट इट। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेस्ट, निम्नलिखित में से एक कौन एक परीक्षण की विशेषता है। हम जब टेस्ट लेते हैं किसी भी चीज़ का, है ना, स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स के अंदर टेस्ट लिया जाता है, तो उसके मेन सिद्धांत करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, वैलिडिटी वैधता, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता, ऑब्जेक्टिविटी उद्देश्यता, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो वैलिडिटी भी होती है कि टेस्ट होता है ना कि इतने से इतने अंतराल के बीच में होता है, रिलायबिलिटी भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है। टेस्ट देने का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को बिल्कुल अच्छे तरीके से, आपको एक टॉपिक दे दिया गया और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करके आए हैं और आपका टेस्ट हो रहा है। और ऑब्जेक्टिविटी, उद्देश्य भी होता है, टेस्ट क्यों देते हैं, ताकि हमें जो वो एक पर्टिकुलर टॉपिक है वो अच्छे से क्या हो जाए, याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए और हमें पता चल जाए कि कहाँ हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कहाँ नहीं। सो इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिश्चय प्रकार का परीक्षण है। ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरो, ट्रू और फॉल्स, सही या गलत, मैचिंग, सुमेलन या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। अब जैसे कि ये जो अभी हम आप पढ़ रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है और चार आंसर दे रखे हैं, ये कौन सा है, ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव तरह का होता है। ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होते हैं कि हमारे को लिखना नहीं पड़ता, सब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है, हमें लिखना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव में हमें सिर्फ टिक मार्क करना होता है, तो मैच द फॉलोइंग में भी टिक मार्क होता है, ट्रू फॉल्स में भी टिक मार्क होता है और फिल इन द ब्लैंक्स में भी हमें कई जगहों पर ऑप्शन दे रखे होते हैं और सिर्फ हमें उनमें से चुनाव करना होता है। तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं अब हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ अ प्रैक्टिकल टेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक परीक्षण का दूसरा नाम है। प्रैक्टिकल टेस्ट को हम दूसरा क्या नाम बोलते हैं, अगर बोलते हैं ना कि ये आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है तो इसको और क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है परफॉर्मेंस टेस्ट, निष्पादन परीक्षण, बी इंटरव्यू साक्षात्कार, सी कंप्लीशन टेस्ट, पूर्णता परीक्षण, सब्जेक्टिव टेस्ट, विषय परक परीक्षण। सॉरी फॉर हिंदी, जो प्रोनंसिएट सही नहीं हो पा रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में। तो प्रैक्टिकल टेस्ट कौन से टेस्ट होते हैं, ये वो टेस्ट होते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट मैंने अभी आपको बता दिया कि सब्जेक्टिव टेस्ट कौन से होते हैं जिसमें हमें बहुत लिखना पड़ता है। तो आपको पता है प्रैक्टिकल टेस्ट में हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी चीज़ को परफॉर्म करके दिखाना होता है। कंप्लीशन टेस्ट का मतलब टेस्ट पूरा हो गया, इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, ए, परफॉर्मेंस टेस्ट। तो अब हमें पता चल गया कि प्रैक्टिकल टेस्ट को क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू इज अ काइंड ऑफ, साक्षात्कार एक प्रकार का डैश है। अब यहाँ पर देखिए हमें पता लग गया कि परफॉर्मेंस टेस्ट तो क्या है हमारा, हम ऊपर देख चुके हैं प्रैक्टिकल टेस्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, चार ऑप्शंस दे रखे होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, मैच द फॉलोइंग, फिल अप द ब्लैंक्स, तो इंटरव्यू में ये सब भी नहीं होता, इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप भी नहीं होगा। रिटन टेस्ट के अंदर भी नहीं होता है ना, रिटन मतलब लिख के देना, इंटरव्यू में लिख के तो हम देते नहीं हैं। इंटरव्यू के अंदर हम क्या करते हैं, ओरल टेस्ट देते हैं। तो यहाँ पर आपको ना एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले सबको बताया कि रिटन टेस्ट में लिखना होता है, इंटरव्यू में बोलना होता है, तो हमारा रिटन कैंसिल हो गया। ऑब्जेक्टिव अभी हमने बात की थी कि वो फिल अप्स, मैच द फॉलोइंग, उसमें हमें लिखना नहीं होता, तो इंटरव्यू में भी हमें लिखना नहीं होता।
तो ऑब्जेक्टिव भी गया और परफॉर्मेंस टेस्ट भी हमने भी पढ़ा था कि वो प्रैक्टिकल की तरफ टेस्ट को बोलते हैं, तो वो भी नहीं हुआ, इसलिए हमारा आंसर इज ओरल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट अरेंजमेंट्स शुड बी मेड टू एक्सटिंग्विश द फायर इन द वर्कशॉप। कार्यशाला में आग बुझाने के लिए क्या व्यवस्था रखनी चाहिए। अब ये क्या है कि आग को बुझाना है कार्यशाला में, क्या क्या चीज़ें होती है, तो आप सब ने भी देखा होगा, आप किसी भी स्कूल जाते हो, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स, किसी भी सोशल गैदरिंग्स में, कहीं पर भी, वहाँ क्या क्या मिलता है आपको, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, अग्निशमन यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर मिलते हैं वहाँ पर, बकेट फुल ऑफ वाटर मिलती है पानी से भरी बाल्टियाँ, सैंड की बकेट भी मिलती है रेत से भरी बाल्टियाँ, तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, डी ऑल ऑफ दिस सभी। 27th क्वेश्चन, अ गुड हाउस कीपिंग इंक्लूड्स, एक अच्छी गृह व्यवस्था में क्या शामिल है। एक अच्छी हाउस कीपिंग, आप लोग भी हाउस में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो वहाँ पर एक अच्छा वातावरण आपको किस समय मिलेगा, जब क्लीनिनेस होगी, स्वच्छता होगी, बिल्कुल, जब प्लेसिंग ऑफ मशीन, मशीन के लिए स्थान, जब हर एक मशीन या इक्विपमेंट्स के लिए अपना स्थान निर्धारित होगा, बिल्कुल, स्पेस फॉर स्टोरेज भंडारण के लिए स्थान होगा, बिल्कुल, वहाँ पर हौच पौच नहीं होगी, जिस सामान को जहाँ रखा है वो वहीं रहेगा, तो इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर क्या आएगा, डी ऑल ऑफ दीज। 28th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बेस्ट रूल फॉर गुड डिसिप्लिन इज कीप अप डैश। अच्छे अनुशासन का सर्वोत्तम नियम है कि उन्हें क्या रहना चाहिए, बिजी इन वर्क, कार्य में व्यस्त, आइडल, निष्क्रिय, फियरर, भयभीत, फ्रेंडली, मित्रत्व, क्या रहना चाहिए, गुड डिसिप्लिन कब रहेगा, जब हर कोई अपने अपने काम में व्यवस्थित रहेगा, आइडल खाली नहीं बैठेगा, भय से भी नहीं बैठेगा और फ्रेंडली भी ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का एक प्रकार नहीं है, क्या फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको पता है कि कार्बन ऑक्सीजन होती है तो आग जलती है, और अगर वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो आग बुझ जाती है, ठीक है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड होती है अगर वहाँ पर जहाँ पर आग जल रही होती है, तो भी क्या होती है, आग जो इन्होंने बोला है कि तब भी हमारी क्या होती है, आग बुझ जाती है। और फॉर्म जितने जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो भी किसके होते हैं, उसके अंदर क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में ही होती है, ठीक है, जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर होता है, तो इसलिए वो भी क्या है, एक हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, इससे जो आग है वो क्या होती है, नहीं बुझती। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ अ गुड काउंसलर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे पराश्रम परामर्शदाता का गुण नहीं है। परामर्श, जैसे हम किसी से भी कोई चीज़ का पूछते हैं, गाइडेंस लेते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, तो ये नहीं है, एक अच्छी क्वालिटी नहीं है काउंसलर की, इन्होंने ये पूछा, यहाँ पर भी इन्होंने नॉट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ही शुड बी जजमेंटल, उसे जजमेंटल होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, दे इसी सब पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि जो भी काउंसलर होता है उसको जजमेंट जज नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम बाकी भी देखते हैं, ही शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, उसका संवाद कौशल अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल सही, ही शुड हैव कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड अदर फीलिंग्स, बिल्कुल सही, उसे दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए, ही शुड बी डिसेंटली ड्रेस्ड, उसे शिष्टता से वस्त्र धारण करने चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा आंसर, कि उसे क्या नहीं होना चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए, गेट इट। सो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस, नेक्स्ट हम अब 15 क्वेश्चंस अपनी अगली वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं और जो हम समझाना चाह रहे हैं वो आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।